हाय एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल एंड क्लासेस फॉर मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही लाजवाब चल रही होगी क्योंकि यूपी बोर्ड एग्जाम आपके 22 फरवरी 2024 से स्टार्ट है तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 2024 हिंदी का बारल मॉडल पेपर यही आपके बोर्ड एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा पूरा का पूरा सौ फुल सोल्यूशन के साथ मैं आपको कराने वाला हूँ पूरा का पूरा हल मैं आपको कराऊँगा ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर आप इसको अच्छे से तैयार करके जाना ठीक है कोड आप याद रखना आठ सौ एक ए डी यही आपके बोर्ड एग्ज़ाम दो हज़ार चौबीस बाईस फरवरी को आने वाला है ठीक है तो आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देख लेना मुद्रित प्रश्नों की संख्या होगी आपकी बारह अनुक्रमांक यहाँ पे अपना डाल देना यहाँ अपना नाम डाल देना और नौ सौ एक ये इसका होता है याद रखना आप लोग समय मिलेगा आपको तीन घंटे पंद्रह मिनट का पूरा पूर्णांक आपको सत्तर नंबर का मिलेगा ठीक है सामान्य निर्देश आप लोग अच्छे से पढ़ लेना प्रारंभ के जो पंद्रह मिनट हैं पश्चार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है निर्देश सभी प्रश्न क्या आए आपके लिए अनिवार्य है इस प्रश्न पत्र के दो तो खंड खंड आ खंड बा हैं खंड आ में एक अंक के बीस बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपको यौमार उत्तरक पत्रक पर देने हैं इन सभी को आप लोग अच्छे से पढ़ लेना ठीक है खंड बा में आपको पचास अंक के वर्णात्मक प्रश्न होंगे जिनका उत्तर आपको कहाँ करना है जो बोर्ड की कॉपी मिलेगी उस पर आपको करने हैं पचास अंक के आएंगे आपका खंड बा है, तो हम चलते हैं अपने खंड आ की तरफ जिसमें आपके बीच बहुविकल्पीय प्रश्न है जो आपके बोर्ड एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाएंगे देखो खंडा बहुविकल्पीय प्रश्न है आपके एक अंक का बोला गया है प्रायश्चित किसकी रचना है दोस्तों मैं आपको तेजी से कराने वाला हूँ क्योंकि मुझे पूरा पेपर हल करके दिखाना है ठीक है पूरा का पूरा हल पेपर में दिखाऊंगा इसलिए आप तेजी से इन प्रश्नों को कर लेना प्रायश्चित किसकी रचना है पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी रामधारी सिंह दिनकर जयशंकर प्रसाद भगवती चरण वर्मा ठीक है जो प्रायश्चित किसकी रचना है तो वो दो है दोस्तों दोस्तों किसकी है तो वो है आपकी भगवती चरण वर्मा ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है रंगभूमि उपन्यास है प्रेमचंद जी जैनेन्द्र कुमार यशपाल धर्मवीर भारती तो रंग भूमि उपन्यास किसका है तो वो है आपका प्रेमचंद ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है चलो तीसरा प्रश्न कलम का सिपाही की रचना किसने की वृंदावन लाल वर्मा अमृत राव प्रेमचंद इनमें से कोई नहीं तो आप याद रखना जो कलम के सिपाही की रचना की तब तो वो की आपके अमृत राव ने ठीक है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऐसे ही आपको देखने को मिलने वाला सूरज का सातवा घोड़ा किस विद्या की रचना है उपन्यास नाटक आत्मकथा काव्य तो सूरज का जो सात्मा वो क्या है आपका उपन्यास है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है इसके बाद भूले विसरे चित्र के रचनाकार हैं। भगवती चरण वर्मा यशपाल प्रेमचंद्र जयशंकर प्रसाद ठीक है तो भूले विश्रे चित्र के रचनाकार कौन है तो, का तो भगवती चरण वर्मा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर इसका द्वापर के रचयिता हैं महादेवी वर्मा मैथिली क्षण गुप्त स्वामित् पंत अज्ञे तो बताना है आपको द्वापर के रचयिता तो द्वापर के रचयिता आप सभी जानते हो कौन है तो मैथिली क्षण गुप्त जी हैं आपके द्वापर के रचयिता सातवा अनामिका के रचयिता है महादेवी वर्मा स्वामितानंदन पंत सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अज्ञे कौन है आपके अनामिका के रचयिता तो अनामिका के रचयिता है आपके कौन तो आप याद रखना कौन है आपके ठीक है तो वो है आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है हिंदी का प्रथम उपन्यास है परीक्षा गुरु गोदान अलग अलग बेतरणी इनमें से कोई नहीं तो हिंदी का जो प्रथम उपन्यास है वो है आपका परीक्षा गुरु ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है नव प्रयोगवादी कवि है माधवी वर्मा सुमितानंद पंत सूर्यकांत त्रिपाठी निराला गिरजा कुमार माथुर ठीक तो है तो प्रयोगवादी हैं कौन है तो आप सभी जानते हो कौन है गिरजा कुमार माथुर जी कौन है गिरजा कुमार माथुर ठीक है अगर ऑप्शन में आपका आगे मिल जाए तो वो भी है ठीक है याद रखना क्लियर रीतिबद्ध काव्य के कवि हैं कौन है बिहारी माखनलाल चतुर्वेदी भिखारी दास त्रिपाठी निराला तो रीतिबद्ध काव्य के कभी ठीक है कौन है तो वो हैं आपके भिकारी दास ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसके बाद करुण रस का स्थाई भाव है शोक क्रोध भयानक करुण रस का स्थाई भाव तो करुण रस का स्थाई भाव आप सभी जानते हो क्या है ठीक है ना मुझे बताना ना पड़े करुण में क्या हो जिसमें कोई दुख मनाया जाए है कि नहीं दोस्तों भाई होता है आपका करुण रस तो क्या हो जाएगा आपका शोक ऑप्शन नंबर ए सिंगारस का क्या होता है ये होता है आपका सिंगारस का क्या होता है रति क्लियर हो गया चलो इसके बाद पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है रूपक उत्प्रेक्षा उपमा श्लेष बताओ कौन है आपका पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है दोस्तों तो आप सभी जानते हो कौन सा है वो है आपका उपमा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर सोटा के प्रथम और तृतीय चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं ग्यारह ग्यारह क्लियर आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया आकर्षण में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया ठीक है सबसे आगे वाला जो होता है वही उपसर्ग होता है इसमें किसका प्रयोग किया गया आ ऑप्शन नंबर ए गंगा यमुना का समास विग्रह गंगा और यमुना गंगा यमुना गंगा, गंगा प्लस यमुना यमुना प्लस गंगा बताओ गंगा यमुना का समास विग्रह है ठीक है तो क्या है दोस्तों गंगा और यमुना ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है पंछी का तस्म रूप है पच्ची पंछी खग बेग तो पंछी का क्या हो जाएगा आपका पच्छी ऑप्शन नंबर ए चलो क्रोध का पर्यावाची कुपित प्रेम जलन द्वेष बताओ क्रोध का क्रोध का तो आप जानते ही होंगे क्या है ठीक है क्रोध का क्या है आपका क्रोध का है आपका कुपित ठीक है क्या है कुपित ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है अठारवा उस्मत की विभक्ति एवं वचन सष्टी बहुवचन सतमी द्विवचन पंचमी बहुवचन चतुर्थी एक वचन उषमत की विभक्ति एवं वचन बताइए ठीक है बताओ क्या है ठीक है तो क्या है दोस्तों तो वो है आपकी पंचमी बहुवचन ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है जानवर दौड़ते हैं इस वाक्य में दौड़ते क्या है उद्देश्य विधेय सर्वनाम विशेषण बताओ क्या है जानवर दौड़ते हैं तो दौड़ते क्या है तो इसमें दौड़ते हैं आपका विशेषण ऑप्शन नंबर डी इसके बाद सीता ने पत्र लिखा इस वाक्य में किस प्रकार का वाक्य प्रयोग है भावे प्रयोग कर्तरी प्रयोग कर्मणी प्रयोग इनमें से कोई नहीं सीता ने पत्र लिखा इस वाक्य में किस प्रकार का प्रयोग है सीता ने क्या किया पत्र लिखा पत्र लिखा का मतलब क्या किया उसने अपना कर्म किया तो क्या हो जाएगा आपका कर्मणी प्रयोग ऑप्शन नंबर सी है अब वर्णात्मक प्रश्न है ये पहले आपका जो प्रश्न है क्या बोला गया निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए तो ये आपका गणांश है जब एक बार मनुष्य अपना पेड़ कीचड़ में डाल देता है तब फिर ये नहीं देखता कि भाई कहाँ और कैसी जगह पैर रखता है धीरे धीरे बुरी बातों में अव्यस्त होते होते तुम्हारी घृणा कम हो जाएगी पीछे तुम्हें उनसे चिड़ना मालूम होगी क्योंकि तुम सोचने लगो कि चिड़ने की बात ही क्या है तुम्हारा विवेक कुंठित हो जाएगा तुम्हें भले बुरे की पहचान न रह जाएगी अंत में होते होते तुम्हारी बुराई के भक्त बन जाओगे तुम भी क्या होगे बुराई के भक्त बन जाओगे अतः हृदय को उज्जवल और निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि बुरी संगत की छूट से बचो तो आप ध्यान से देखोगे उपयुक्त गद्यांश का आपको संदर्भ लिखना है और ये भी आपका दो अंक का है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या दो नंबर की है मनुष्य में भले बुरे की पहचान करने की शक्ति कब आती है ये भी दो नंबर का टोटल कितने हो जाएंगे आपके छः अंक के ठीक है तो चलो मैं इसका आपको उत्तर करके बताता हूँ उत्तर क्या है ए प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाष्ट पुत्र गद्य खंड के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है ये पूरा किससे लिया गया है आपका मित्रता पाठ से लिया गया है पूरा का पूरा ठीक है इसके लेखक कौन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं याद रखना मित्रता पाठ के लेखक कौन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं अब आपको क्या बताना है रेखांकित अंश की व्याख्या ठीक है रेखांकित अंश की व्याख्या आपको करनी है रेखांकित देख रही है ये वाला तो क्या है जब मनुष्य किसी बुराई की ओर कदम बढ़ा देता है और भाई उस बुराई को एक बार अपना मान लेता है तो भाई फिर ये सोचना छोड़ देता है कि भाई जिस बुराई की ओर बढ़ रहा है उससे उसके चरित्र पर कितना बड़ा कलंक लग सकता है इससे उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा और चरित का कितना पतन हो सकता है धीरे धीरे व्यक्ति बुराइयों का आदि हो जाता है इस प्रकार बुराई के प्रति व्यक्ति के मन में स्थित घृणा कम हो जाती है इसलिए स्वयं बुराई को बचाए रखने और हृदय को पवित्र और निष्कल बनाए रखने का एकमात्र उपाय यही है कि व्यक्ति को बुरी संगत से बचना चाहिए ठीक है दोस्तों इसके बाद आपका तीसरा क्या है मनुष्य में भले बुरे की पहचान करने की शक्ति कब आती है तो विवेक उत्पन्न होने पर मनुष्य में भले बुरे की पहचान करने की शक्ति आती है अथवा में आप ये कर सकते थे क्या हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है उसके निर्माता ये समझ रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य का गौरव नियत है पर कुछ ही समय के बाद उनका ये साहित्य भी अतीत का स्मारक हो जाएगा और आज जो तरुण है भाई वृद्ध होकर अतीत के गौरव का सुपन्य देखेंगे उनके स्थान में तरुणों का फिर दूसरा दल आ जाएगा जो भविष्य का सुपन्य देखेगा दोनों के ही सुपन्य सुखद होते हैं क्योंकि दूर के ढोल स्वाभने होते हैं अथवा में आप ये कर सकते हो ठीक है क्या क्या उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना था गद्यांश की रेखा की नजगी व्याख्या करनी थी अतीत का स्मारक हो जाएगा तात्पर्य क्या है ठीक है मैं आपको बता दूं ये पाठ है क्या लिखूं लेखक है आपके पद्मलाल पुन्नालाल जी बक्सी मैंने आपको पहला वाला करके दिखा दिया है अथवा वाला आप कोशिश कर लेना ठीक है ये दो इन दोनों में से कोई ना कोई आपके आ जाएगा तो जो आपको अच्छा लगे उनमें से अच्छे से आप लोग तैयार कर लीजिए यही आपको 22 फरवरी 2024 को देखने को मिलने वाला है दूसरा निम्नलिखित में से किसी एक पद पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए यह भी आपके छे अंक के पूछे जाएंगे क्या है दुर्गुण कौन देश को वासी मधुकर कह समझाई सौदे बुचित साचना हसी ठीक है तो को है जनक कौन है जननी कौन नारी को दासी कैसो बार भेस कैस, है कैसो क्यों रस्मी अभिलाषी पावेगी पुण्य क्यों आपने जोरो करेगी करोगो गासी सुनति मोन हावे रहो बाबरो सूर सभे मत नासी उपयुक्त पदांश का संदर्भ लिखना है उपयुक्त पदांश की व्याख्या करनी है निम्न की पंक्तियों में गोपियां किससे प्रसन्न कर रही हैं ठीक है ये तीन प्रश्न हैं आपके दो दो अंक के पूरे छः अंक के चलो उत्तर देखो क्या है प्रस्तुत पद सूर्यदास और रचित सूर्य सागर से लिया गया है यहाँ पे आप क्या करना रेखांकित अंश की व्याख्या दूसरा वाला क्या है व्याख्या करनी है देखो क्या है निर्गुण कोण्य देश को वासी मधुकर कह समझाई सोदे बूझती साँझ न हँसी ठीक है सकिया पूछ रही हैं यानी कि वो व्याख्या क्या है इसकी उद्धव जी मैं आपको सौगन देकर पूछती हूँ हंसी नहीं करती आप हमें बतला कर ये समझा दीजिए कि आप जिस निर्गुण ब्रह्मा की चर्चा कर रहे हैं वे किस देश के रहने वाले हैं ठीक है आप जिस निर्गुण ब्रह्मा की चर्चा कर रहे हैं वो किस देश के रहने वाले हैं देखो निर्गुण कोण देश को वासी ठीक है मधुकर कहीं समझाई शोध यानी मधुकर जो उद्भव से क्या करती है मैं आपको सौगंध देकर पूछती हूँ कि हंसी नहीं करती पूछ साँच ना हंसी यानी कि सच्ची पूछ रही हूँ हंसी नहीं कर रही हूँ कि जिस आप ब्रह्मा की चर्चा कर रहे हो वो किस देश के बासी है ठीक है ना इतना लिख देना इसके बाद इन पंक्तियों में गोपियां किससे प्रसन्न कर रही हैं तो आप सभी जानते हो किससे कर रही हैं उद्धव से प्रसन्न कर रही हैं किससे कर रही हैं आपकी उद्धव से प्रसन्न कर रही हैं ये देखो आंसर है किससे कर रही हैं उद्धव से करेक्ट हो गया अच्छे से कर लिया ऐसे ही आप पेपर में लिख देना ठीक है अथवा में आप ये कर देना नब में गर्भ झुकता पर अंक लिए दान छार मनगल जाता नितु विश्व देख तन सा लेता कुल सुबार कितने मृदु कितने कठिन प्राण आप इसको कर लेना अच्छे से ठीक है ना कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं क्योंकि मैंने पहली व्याख्या आपको करके दिखा दी है इसके बाद तीसरा दिए गए संस्कृत पदांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए क्या है मानव जीवन संकरण संक्रमण संस्कृत अस्माकम पूर्वजा मानव जीवनम संस्कृत महान ते अस्माकम जीवन संस्करण अयान आचरण विचारण आचर्द तत्सर्वम अस्माकम संस्कृत ठीक है पांच अंक का आपसे पूछा जाएगा दो अंक का संदर्भ होगा और तीन अंक का आपका क्या होगा हिंदी में अनुवाद ठीक है तो देखो क्या है संदर्भ कहाँ है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृत नामक पाठ से उद्धरत है हिंदी में अनुवाद क्या मानव जीवन को संवारना ही संस्कृत है हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को संवारने के महान प्रयत्न किया था उन्होंने हमारे जीवन को संवारने के लिए जिन आचरणों और विचारों को प्रदर्शित किया वाय सब हमारी संस्कृत है ठीक है ये देख देख आप आराम से बना सकते हो ठीक है कोई दिक्कत अथवा मैं आप ये कर सकते हो कि नागरिका बहुकाल याप्तम आचिंतनम पर पहली उत्तरम दातु समर्था ना अवध यानि कि जो था नागरिक बहुत समय तक पहली का उत्तर ढूंढता रहा लेकिन वो उत्तर ना दे सका तत् ग्रामीण अवधत्त तभी ग्रामीण ने कहा कि आय पहली का उत्तर ना जाने मैं पहली का उत्तर नहीं जानता हूँ इसका संदर्भ क्या है प्रबुद्धो ग्रामीणा है पाठ का नाम क्या है प्रबुद्धो ग्रामीणा ठीक है इसका हिंदी में अनुवाद ऐसे कर देना जिससे हमें ग्रामीण रहा इसी इस, इस पर क्या क्या सुनने वाले ग्रामीण ने कहा यदि 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 आप उत्तर नहीं जानते हो टाइम तो दद, दस रूपये आप मुझे शर्त के अनुसार कितने रुपए दो दस रुपए दो अत्ता मलखान नागरिक समय अनुसार दस रूप कहानी दाती ठीक है उसने पे जो भी शर्त थी उसके अनुसार जो उसको क्या कि नागरिक ने कितने रुपए दे दिए दस रुपए दे दिए बस इतना आपको लिखना था इसके बाद नीचे दिए गए पदार्थों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद ये भी आपका पांच अंकिका है नीर छीर विवेक हंसला से चेतम मिंद्रा हंसलासेव का ठीक है ये कर दो क्या है प्रस्तुत अनियोक्ति हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत खंड के अनियोक्ति विलासा नामक पाठ से आपदर्थ है हिंदी में अनुवाद एक हुए मैं अत्यधिक नीच यानी गहरा हूँ तुम इस पर कभी भी खेद मत करो क्योंकि तुम अत्यंत सारा हृदय हो हृदय हो दूसरे के गुणों को ग्रहण करने वाले यानी तुम अत्यंत सारा हृदय वाले हो और दूसरे के गुणों को ग्रहण करने वाले हो ठीक है ऐसे करके आप कर देना कोई नहीं दिक्कत कोई दिक्कत नहीं अच्छे से कर देना सत्तर में सत्तर नंबर आपके यहीं से देखने को मिलने वाला है पूरा का पूरा पेपर यही आपका छपने वाला है अथवा में आप ये कर सकते हो क्या सर्वे भवंत सर्वे निरामाया सर्वे बद्रण पसंत माँ कच्चित ठीक है ये जीवन सूत्र से लिया गया है हिंदी में अनुवाद कर देना सर्वे यानी सभी क्या हो सुखी हो सभी क्या हो हु? निरोग हो ठीक है इस तरह से आप कर सकते हो आराम से पांचवा अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए मार्तृभूमि के लिए खंडकाव के नायक चंद्रशेखर का चित्रण अथवा मातृभूमि के खंडकाव के तृतीय सड़क बलिदान की कथावतु संक्षेप में तीन नंबर आपसे पूछा जाएगा ये हमारे शाहजहानपुर की है ठीक है आपके जिले की जो हो वो याद कर लेना छटा दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए कितने नंबर का पाँच नंबर का आचार्य रामचंद्र शुक्ल जयशंकर प्रसाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इन तीनों के याद कर लेना इन्हीं में से आपको देखने को मिल जाएंगे बोर्ड एग्जाम दो हजार चौबीस बाईस फरवरी को चलो खा दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रम, कर, उनकी प्रमुख प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए गोस्वामी तुलसीदास महादेवी वर्मा पंत बिहारी दास ठीक है बिहारी लाल चलो इन चारों को आप याद कर लेना इससे बाहर कुछ भी आने वाला नहीं है अपनी पाठ्य पुस्तक में कंस्टर्ड को एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो दो अंक का ठीक है चलो नहीं मिलकर मैं किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए दो अंक का ठीक है ना इस इस्लोक तो आप याद कर लेना ठीक है जो कभी ना आया हो वो याद कर लेना आपके एग्जाम में आ जाएगा चलो ठीक है अल अल छछंद्रा का आशीत बताओ अलछंद्रा क्या आशीत ठीक है अलछंद्रा यवन राजा आशीत का की जगह क्या आ जाएगा यवन राजा बस ठीक है यहाँ पे ऐसे कर देना उत्तर लिख देना ठीक है बिल्कुल सही हो गया वाराणसी कति विश्वविद्यालय सन्ती ठीक है वाराणसी में कितने विश्वविद्यालय हैं तो कति की जगह क्या लिख दोगे आप त्रिया कितने हैं त्रिया और यहाँ ऐसे कर देना बस आंसर हो गया आपका ऐसे ही लिख देना भारतीय संस्कृत की दर्शी हस्थि ठीक है भारतीय संस्कृत की दर्शी हस्थि तो की की जगह क्या आ जाएगा सता सदा सत गतिशीला सदा गतिशीला ठीक है सदा क्या हो जाएगा गतिशीला बस ठीक है यहाँ ऐसे कर देना उत्तर हो गया आपका ठीक है गिरे संता मित्रम की मस्ती ठीक है मित्रम की मस्ती मतलब क्या आ जाएगा भारिया भाया बस हस्ती कर देना पूरा क्लियर हो गया कोई दिक्कत यही सब उत्तर आपको दिए रखें पी डी भी आप इसकी ले लेना कोई दिक्कत नहीं है चलो निम्नखित में किसी एक विषय पर निबंध लिखना देश प्रेम प्रदूषण की समस्या भ्रष्टाचार की समस्या विज्ञान और मानव जीवन ठीक है ये चारों आप तैयार कर लेना इससे बार आपको बोर्ड एग्जाम में एक भी प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे वीडियो को शेयर कर देना चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा थैंक यू